गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम शिल्पा माकिया फ्रॉम आदर्श बालिकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल. योर साइंस टीचर वेलकम टू आवर क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर थर्ड जो अपना चल रहा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. इसका जो अपन टॉपिक है प्लास्टिक स्टार्ट करेंगे. सिंथेटिक फाइबर जो है हमने प्रीवियस क्लास में देखा था टाइप्स ऑफ फाइबर. टू टाइप्स ऑफ फाइबर अपन ने देखे थे, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर्स मीन्स गिफ्ट फॉर नेचर, जो नेचर के थ्रू हमें मिलते हैं, नेचर से डायरेक्ट हमें मिलते हैं, जिसमें मेंस की वुमेंस की कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई उनका इंटरफेयर नहीं होता. दिस फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर गिव फॉर नेचर, जो टोटली नेचर पर डिपेंड होते हैं. इनमें अपन ने जो है सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स देखे थे. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में रेयन, रेयन इसे कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन को अपन आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं. इसके अलावा नायलॉन, पॉलिस्टर इज एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज प्लास्टिक. आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक. प्लास्टिक वर्ड यू हैव ऑलरेडी नो दिस वर्ड, आप सभी जो हैं इस वर्ड से अच्छी तरीके से परिचित हैं. प्लास्टिक डेली जीवन यूसेस में अपन जो है डेली लाइफ में इसको यूज में लेते हैं प्लास्टिक को. तो क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके कारण इन्हें हम यूज़ में लेते हैं, क्या इनके बेनिफिट हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, एंड क्या इनके हार्म कॉसेस हैं जिनके कारण ये हमारे लिए हार्मफुल है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो स्टूडेंट ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 36 ओपन कीजिए बुक का. प्लास्टिक यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे. हमेशा अपन देखते हैं प्लास्टिक की कई चीज़ें हम घर में भी यूज में लेते हैं, उनके आर्टिकल्स को अपन देखते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम देयर यूजेस. तो हमारे घर में जो है प्लास्टिक के यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह, बॉटल, ड्राइंग बॉक्स, चेयर, डेस्क जो है, सो मैनी आइटम, टॉयस, आप लोगों के सभी चीज़ें क्या हैं प्लास्टिक के अपन यूज़ में लेते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स. तो प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. यहाँ पर जो वर्ड आया है पॉलीमर, प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर है. तो पॉलीमर मीन्स, पॉली मीन्स होता है सो मैनी, पॉली मीन्स मैनी या बहुत सारे, जिसमें कि बहुत सारी स्मॉल यूनिट जो है ज्वाइंट होकर एक सिंगल यूनिट बनाती है, वो होते हैं पॉलीमर. फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने जो पर्ल नेकलेस, जो मोतियों की माला देखती है, किस टाइप से होती है आपकी, उस टाइप से जो होती है मोती एक दूसरे में क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं. पूरी मोती मिलकर आपस में, पर्ल्स मिलकर क्या बना लेते हैं, आपस में क्या बनाते हैं, नेकलेस का, नेकलेस जो है बना लेते हैं. तो वैसे ही जो पॉलीमर है, पॉलीमर्स किसका ग्रुप होता है, स्मॉल यूनिट. ये जो सिंगल यूनिट का अपन क्या बोलेंगे, इस स्मॉल यूनिट को मोनोमर, मोनोमर. दिस मोनोमर ग्रुप ऑफ मोनोमर सिंगल मैनी स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट. छोटी छोटी बहुत सारी स्मॉल यूनिट यानी मोनोमर्स आपस में मिलकर एक लार्ज सिंगल यूनिट, बड़ी यूनिट बनाते हैं. जैसे अपन इसको जो बहुत सारे पॉल्स मोती जो है आपस में जुड़कर एक जो है माला, नेकलेस का रूप ले लेते हैं, वैसे ही जो है बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलकर किसका रूप ले लेते हैं, पॉलीमर का जो है रूप लेते हैं. पॉलीमर मीन्स बहुलक, पॉली मीन्स बहुत सारे, है ना, क्लियर. और दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, जिसे बहुलीकरण बोलते हैं. देखिए बुक में, प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. पॉलीमर है और सिंथेटिक फाइबर है. प्लास्टिक भी क्या है, नेचुरल फाइबर नहीं है, सिंथेटिक फाइबर. इट मीन्स जो है केमिकल के यूज से बनता है. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट. सभी आपको पता है कुछ जो प्लास्टिक हम जो है डेली यूजेस में यूज में लेते हैं, सम प्लास्टिक आर वेरी हार्ड, कुछ काफ़ी हार्ड होते हैं, कुछ काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. तो जो प्लास्टिक है वो क्या होंगे, अलग अलग डिफरेंट्स होते हैं. ऑल सॉरी इन सम ऑफ द लाइनर वेरियस इन द अदर क्रॉस लिंक. कुछ जो है लाइनर मीन्स सीधी लाइन में जुड़ी हुई होती है स्मॉल यूनिट से,
और कुछ जो है क्रॉस यूनिट मीन्स ऊपर नीचे चारों तरफ से वो ज्वाइंट होती हैं। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन द ऑल पॉसिबल शेप साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.6। 3.7 में जो है फिगर में इसमें प्लास्टिक के अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं, मतलब प्लास्टिक को आप किसी भी शेप्स में क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चेयर का शेप दे सकते हैं, बकेट का शेप दे सकते हैं, तो इस बाइसिकल इन सबका हम जो है शेप उसको डिफरेंट शेप्स जो है प्लास्टिक के दिए जा सकते हैं। Have you ever wondered how this is possible? The fact of this plastic is easily moldable. जो प्लास्टिक क्या है easily moldable, यहाँ पे वर्ड आ रहा है moldable means easily उनको क्या किया जा सकता है पिघाला जा सकता है, easily उनको soft किया जा सकता है। आप जानते हैं जब भी प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं, गर्म करते ही क्या हो जाता है वो easily melt हो जाता है। moldable means easily melt, मतलब जल्दी वह पिघल जाता है। तो जो प्लास्टिक को हम गर्म करके या मेल्ट करके इजीली हम इनके अलग अलग शेप्स जो है दे सकते हैं, तो ये क्या है इजीली मोल्डेबल है। इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में हम इसे दे सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल रीयूज कलर्ड एंड मेल्टेड। रिसाइकल मीन्स अगर आपके टॉयज वगैरह टूट जाते हैं तो जो घर के बाहर जो रेगमेंट्स आते हैं कबाड़ी आते लेके जाते हैं ना लोहे प्लास्टिक की चीज़ें कलेक्ट करते हैं ना हमारे घर से, तो क्यों कलेक्ट करते हैं क्योंकि वो उन्हें क्या करते हैं कलेक्ट करके जो आयरन थिंग्स है लोहे के थिंग्स है उनको सेपरेट कलेक्ट कर लेते हैं और प्लास्टिक थिंग्स को सेपरेट कर लेते हैं, फिर इन्हें रिसाइकल फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। रिसाइकल मीन्स बार बार यूज़ में ले सकते हैं, दोबारा हम उसको क्या है रीयूज़ में ले सकते हैं। फैक्ट्री में जाकर उनका रिसाइकल होता है, पिघला के उनको दोबारा उनसे क्या है अलग अलग चीज़ें बना दी जाती हैं जिनका हम अगेन यूज़ करते रहते हैं। तो प्लास्टिक क्या है रिसाइकल है, रीयूज है, मतलब हम उसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं और कलर्ड इजीली इन्हें कलर्ड किया जा सकता है और मेल्टेड इजीली या मेल्ट भी हो सकता है। रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर। वायर आपने देखा होगा हमारे घर में जितने भी वायर्स हम लोग यूज़ में लेते हैं प्लास्टिक के, या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है या जो हमारे होम अप्लायंसेस है उन सब में भी वायर लगा होता है, सब प्लग लगे हुए होते हैं, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे यहाँ पे भी जो वायर है हमने हेडफोन लगाया इसकी भी आउटर कवरिंग किस चीज़ की है प्लास्टिक की है, तो इजीली क्या है ये इजीली मोल्डेबल है, इजीली इनको अपन मेल्ट करके कोई भी शेप दे सकते हैं, इजीली इनको फोल्ड कर सकते हैं, तो प्लास्टिक जो है इजीली फोल्ड हो सकता है। दैट इज़ वाई फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूज़, इसलिए इसकी जो है बहुत सारी वेराइटी हम यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर ऑरेंज जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो आप सभी अंडरलाइन करेंगे पॉलीथीन का, कि पॉलीथीन किससे मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आप नाम में ही क्लियर है पॉलीथीन। पॉलीथीन आप सभी जानते हैं ना क्या होता है, यूज़ में लेते हैं घरों में सब पॉलीथीन, जिसमें अपन आप मार्केट जाते हो, मार्केट से आप जो है सामान वगैरह लाते हैं ना पॉलीथीन में, तो पॉलीथीन जो वर्ड है वह किससे मिलकर बना हुआ है लर्न करने में भी इजी रहेगा, आपको याद रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या है, तो आप नाम से क्लियर निकालो ना पॉली प्लस इथेन, जो बहुत सारे इथेन यूनिट स्मॉल इथेन यूनिट मिलकर एक बड़ी यूनिट का जो है बना रहे हैं, दिस लॉन्ग यूनिट इज अ कॉल्ड पॉलीथीन, वह बड़ी यूनिट क्या कहलाएगी पॉलीथीन कहलाएगी। देखिए पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज फॉर पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स के रूप में इसका पॉलीथीन का यूज किया जाता है। Now try to bend piece of plastic yourself. Can you all plastic article can be bent easily? हम जो प्लास्टिक की थैली जिसमें हम ये जो है घर का सामान वगैरह लाते हैं, जो शुगर वगैरह पल्सेस वगैरह सो मैनी आइटम्स हम जो है मार्केट से शॉपकीपर से परचेस करके लाते हैं, तो उस प्लास्टिक को क्या हम इजिली फोल्ड कर सकते हैं, इजिली फोल्ड करके रख सकते हैं, तो क्या हम सभी आइटम्स को प्लास्टिक आइटम को क्या हम इजिली फोल्ड करके रख सकते हैं, तो नहीं, हम जो है सभी प्लास्टिक आइटम को फोल्ड नहीं कर सकते। आपके घर में बकेट है प्लास्टिक मग है, क्या आप उनमें फोल्ड करके रख सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इट मीन्स जो है प्लास्टिक क्या होता है अलग अलग टाइप्स का होता है, सेम टाइप्स उसका नहीं होता है। तो यू विल बी ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बी इजिली वाई सम बिग बैंड द फर्स्ट टू बैंड के, कुछ जो है ईजिली बैंड हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। आपके जो पेन वगैरह हैं जिससे आप लिख रहे हैं उसका भी कवर किसका होता है प्लास्टिक का बना हुआ होता है ना, ईजिली बैंड होता है क्या, नहीं होता। अगर आप उसको ज़्यादा बैंड करेंगे तो क्या होगा मोड़ेंगे तो, बैंड मीन्स मोड़ना, मोड़ेंगे तो क्या होगा टूट जाएगा, टूट जाते हैं ना आपकी पेंस वगैरह, तो ईजिली हम बैंड नहीं कर सकते। वैन
एड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बॉटल, इट गेट्स डिफॉर्म। अगर अपन प्लास्टिक बॉटल में गर्म पानी डालते हैं तो क्या हो जाती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है। और ज़्यादा बॉइलिंग वाटर डालते हैं, अगर हमारा प्लास्टिक है लो क्वालिटी का है, तो वह क्या करता है, पिचक जाता है, मेल्ट हो जाता है। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग, अंडरलाइन करेंगे बेटा डेफिनेशन कि यहाँ पर जो प्लास्टिक है, ये तो अपना टॉपिक था कि प्लास्टिक होते क्या हैं। तो प्लास्टिक क्या है, बहुत सारी स्मॉल यूनिट कम्बाइंड टू मैनी स्मॉल यूनिट कम्बाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट। दिस सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ए पॉलीमर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए पॉलीमराइजेशन। एंड प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर मेड फॉर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा इन्हें बनाया जाता है। अब है हमारा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, दिस इज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इम्पॉर्टेंट है टाइप ऑफ प्लास्टिक, कितने टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं। इसमें भी आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे डेफिनेशंस में थोड़ा चेंजेस है, बट आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक होते हैं, फर्स्ट इज द थर्मोप्लास्टिक। एंड सेकेंड टाइप इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस में इनकी डेफिनेशन भी आ जाएगी, तो आप लोग क्या देखेंगे, लिसन क्या थी। सम प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं कैन बी बेंट इजिली, जिन्हें इजिली हम क्या कर सकते हैं, बेंट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। एंड मोल्डेड, हीट करने पे क्या होते हैं, जो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं इजिली, क्या हो जाते हैं, हीटिंग पे बेंट हो जाते हैं एंड मोल्डेड बल होते हैं इजिली, जो पिघल जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, दिस प्लास्टिक इज कॉल्ड ए थर्मो प्लास्टिक। थर्मो प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं इजिली हीटिंग, हीट करने पर इजिली क्या है, मेल्ट हो जाते हैं, बेंट इजिली, दिस इज अ थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है पॉलीथीन, जो घरों में आप यूज लेते हैं, PVC। क्लियर। सेकेंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा, कैन नॉट बेंट इजिली, जो कैन नॉट बेंट इजिली, जिन्हें मोड़ा पिघलाया नहीं जा सकता, बेंट एंड मेल्ट इजिली, जिसे पिघलाया मोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाएंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज बेकेलाइट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको, थर्मोप्लास्टिक जिसको इजिली हीट करने पर क्या हो, बेंट हो जाए इजिली, बेंट हो जाए और मेल्ट हो जाए इजिली, जिनको मोड़ा जा सके, पिघलाया जा सके, दिस प्लास्टिक आज कॉल्ड ए थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक पॉलिथीन एंड PVC। जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कि प्लास्टिक कैन नॉट बी इजिली मेल्टेड एंड बेंट, इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल बेकेलाइट, एस्बेस्टास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो आप डेली यूसेज में, हम जो बकेट प्लास्टिक मग प्लास्टिक के आपके ड्राइंग बॉक्स वगैरह यूटेंसिल्स वगैरह आप घर में यूज में ले रहे हैं, वह सभी कौन से टाइप में आएंगे, थर्मो सेटिंग में। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप उनको आग के पास ले जाएंगे, इजिली क्या होंगे, पिघलना स्टार्ट कर जाएंगे और गर्म होके मेल्ट भी हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, तो वो प्लास्टिक क्या होंगे, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। इसके अलावा जो हमारे घर में किचन यूटेंसिल्स में आपने देखा होगा, जिसमें मम्मी चाय वगैरह बनाती है, या यूटेंसिल्स में जो उनका जो है पकड़ने के लिए जो उनके ऊपर जो है हत्था वगैरह लगा हुआ होता है, वो किसका होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का लगा होता है। हमारे घर में जो स्विचेस लगे हुए हैं, स्विच भी किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, तो क्या आपको प्लास्टिक की स्विच आप ऑन करते हो तो हम प्लास्टिक क्या वो दोबारा उसे अपन मेल्ट कर सकते हैं, नहीं, वो मेल्ट करने पर क्या होगा, जल जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा, बट उसको दोबारा हम
इजिली पेंट भी नहीं कर सकते और मेल्ट भी नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक क्या कहलाएंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाएंगे। तो हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स में कौन से यूज का, कौन से प्लास्टिक का यूज होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। जैसे टी का जो भी है हैंडल है, टी प्रिपेयर करने के लिए जो भी आप यूटेंसिल्स यूज में लेते हैं, चाय बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए तवा, आयरन तवा आप यूज में लेते हैं, उनका भी हैंडल्स जो किसका बना होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ होता है। और गर्म करने पर आप हमेशा देखेंगे वो मेल्ट नहीं होता बल्कि पूरा जल जाता है। तो वो प्लास्टिक, इसको दोबारा रीशेप्ड नहीं किया जा सकता, रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ओनली वन टाइम ही इस प्लास्टिक को अपन यूज़ में ले सकते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन आप लोग अंडरलाइन करेंगे बुक में, देखिए पेज नंबर 37 पे सेकेंड लाइन, प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग, जो हीट करने पर इजिली क्या हो, मेल्ट हो जाए एंड कैन बी बेंट इजिली और मुड़ जाए, इज नोन एज थर्मो प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलेंगे, थर्मो प्लास्टिक बोलेंगे। पॉलीथीन एंड पीवीसी एग्जाम्पल ऑफ थर्मो प्लास्टिक, ये थर्मो प्लास्टिक के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। दिस आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्ब्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, जो घरों में आप टॉयज यूज में लेते हैं, कॉम्ब्स कंगे भी हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं, जो बालों में हेयर्स में आप करते हैं ना कॉम्ब्स, क्लियर आपके हैंड की, ये भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ये तो थी आपकी थर्मो प्लास्टिक की डेफिनेशन, दिस इज ए। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा देर आर सम प्लास्टिक, अंडरलाइन अगेन अंडरलाइन दिस डेफिनेशन, सम प्लास्टिक विच वैन मोल्डेड वंस, जिन्हें एक बार पिघला के, ओनली वंस, एक बार जिन्हें रीशेप्ट किया जा सकता है, पिघला दिया उनको आपने, शेप दे दिया, हैंडल ऑफ कुकर, कुकर इनके हैंडल का आपने शेप दे दिया है, तो मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑफ बाय हीटिंग, और गर्म करने पर जो सॉफ्ट नहीं होते, जब भी आप प्रेशर कुकर में दाल वगैरह, चावल वगैरह, राइस वगैरह आप बनाते हैं, तो उनके जो हैंडल्स हैं वो सॉफ्ट होता है कि गर्म होता है, कि नहीं होता ना, सॉफ्ट भी नहीं होता, वो वैसा का वैसा हार्ड रहता है, तो वह क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। दिस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल है, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर जो वर्ड आया है पुअर कंडक्टर, या बेटा सिक्स क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, सेवन्थ में भी आप लोगों ने पढ़ा है, अगेन आपको एट्थ में भी क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कंडक्टर वर्ड के साथ ही आपका पुअर कंडक्टर, इट मीन्स इंसुलेटर। और सेकेंड नेम इज, जैसे आपका घर पे नाम कुछ और है, बाहर आपको जो निक नेम अलग होता है और आपका नेम अलग होता है ना, वैसे ही जो है इंसुलेटर को ही पुअर कंडक्टर बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, पुअर कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। पुअर मीन्स जो अपने में से कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी हीट को क्या करता, कंडक्ट नहीं करता या बहुत कम, ठीक है, बहुत कम जाने देता है। तो डू नॉट पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ सब्सटेंस जो है इजीली अपने में से क्या, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास नहीं कर सकते, नहीं करते, दिस इज कॉल्ड ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जांपल आप सबको पता है, प्लास्टिक जो है इंसुलेटर होता है, इसीलिए जो है प्लास्टिक का यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में किया जाता है, कवरिंग में किया जाता है, और हैंडल्स वगैरह के बनाने में किया जाता है। सेकेंड टाइप्स इसका क्या आ जाता है, पुअर कंडक्टर के अलावा कंडक्टर, दो टाइप्स आपने पढ़े, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है, इजिली पास, इजिली पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स, जितनी भी आयरन है, कॉपर है, निकल है, जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर इंक्लूड इन कंडक्टर्स, सभी क्या है, कंडक्टर में यूज में ली जाती हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स स्टील मेटल के बने हुए होते हैं, स्टील, जैसे ही आप बर्तनों को गैस पर रखते हैं, गैस ऑन करते हैं, तो हमारे जो है यूटेंसिल्स गर्म हो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी
पास करते हैं, अपने में से पास कर रहे हैं, तभी वो गर्म हो रहे हैं। हम कुकिंग में जो भी खाना बनाते हैं घर में, रोटी बना रहे, सब्जी बना रहे, सभी की इसमें बनाई जाती है, मेटल यूटेंसिल्स में, धातुओं के बर्तन में। अगर उसकी जगह जो अपन मिट्टी के बूट के इनका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा खाना कभी भी नहीं बनेगा। तो ये अपने में क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। तो दो सब्जेक्ट इजीली पास इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कहलाएंगे, कनेक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आयरन एंड ऑल मेटल्स, देखिए इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच। जो घरों में इलेक्ट्रिक स्विच बने हुए हैं, आप किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए रेफ्रिजरेटर को ऑन करते हैं, प्रेस ऑन को ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, मोबाइल चार्जर ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं ना, तो सभी में स्विचेस, जितने भी स्विचेस हैं इसके बने होते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के, एंड हैंडल ऑफ फेरिन यूटेंसिल्स, सभी अलग अलग यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स है उससे रिपेयर होते हैं। मेलामाइन इज अ वाटरसाइल मटेरियल, इट इज़ रेजिस्ट फायर एंड कैन बी टॉलरेबल इट बेटर देन द अदर प्लास्टिक, और यह अदर प्लास्टिक से क्या बेटर होते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। फिगर 3.8 शो द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें जो है फिगर 3.8 में आपको अलग अलग टाइप्स के जो हैं वह कंटेनर दिए हुए हैं, जिसमें हम इसके जो है शेप्स वगैरह देख सकते हैं कि प्लास्टिक से कौन से बनते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कौन से यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। अब हमारा ये तो हमारा टॉपिक था प्लास्टिक का, कि जो है प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक अपने देखें, डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक देखा है, और उसमें भी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में भी अपने पुअर कंडक्टर एंड और इंसुलेटर एंड कंडक्टर की डेफिनेशन देखिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, कि व्हाई वी आर यूज फॉर प्लास्टिक, हम क्यों करते हैं प्लास्टिक का यूज़, क्या कारण है जिसके कारण हम प्लास्टिक का हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बिहाइंड दिस, देखिए आप आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। कि प्लास्टिक की चॉइस मटेरियल के रूप में हम जो है प्लास्टिक को ही क्यों यूज में लेते हैं, तो क्या है प्लास्टिक इजीली वेटलेस होता है, प्लास्टिक में वेट होता है क्या, अगर आप पॉलीथीन की जगह अगर आप पेपर बैग लेके जाते हैं, सॉरी वुड क्लॉथ बैग लेके जाते हैं, कंटेनर वगैरह उठाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनमें काफ़ी वेट होता है, और प्लास्टिक क्या होती है, लाइट और वेट, वेट में क्या होती है, काफ़ी हल्की होती है, इजीली हम इसमें सामान डाल कर उठा सकते हैं। और अगेन क्या होती है, प्लास्टिक इंसुलेटर होती है, इंसुलेटर इट मीन्स बाहर के हीट को अंदर नहीं आने देती, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती। थर्ड प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव मीन्स इजिली डू नॉट रिएक्ट, जो इजिली रिएक्ट नहीं करती तो वह क्या है, नॉन रिएक्टिव होती है। तो इन प्रॉपर्टीज के कारण, इन गुणों के कारण हम प्लास्टिक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिटी और बुक टूडे इफ वी थिंक स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड एक्सेट्रा, सभी यूज में लेते हैं। जो है हम कहीं जाते हैं तो फिल्टर वाटर की बॉटल लेते हैं, बॉटल किसकी बनी होती है, वाटर बॉटल, किसका यूज़ किया जाता है, वाटर बॉटल में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। मिल्क जो आप परचेस करते हैं मार्केट से, सरस का, अमूल का मिल्क, वो भी किसमें पैक होता है, प्लास्टिक में। पिकल्स एंड जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपन लेते हैं, पैकिंग सबकी प्लास्टिक में होती है। तो प्लास्टिक कंटेनर सेम प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कॉन्वीनियंट, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, अंडरलाइन करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, लाइट वेट, वेट में हल्की होती है, लोअर प्राइस, बहुत सस्ती होती है, गुड स्ट्रेंथ, काफ़ी मजबूत होती है, गुड स्ट्रेंथ, आप जब शुगर वगैरह लाते हैं तो 2 kg, 5 kg शुगर जो है इजिली उसमें लेकर आ जाते हैं, तो काफ़ी क्या होती है, स्ट्रेंथ मजबूत होती है, एंड ईजिली हैंडलिंग इजी इनको रखा जा सकता है। Being lighter as compared to metals, plastic are used for cars, aircraft and spacecraft. और इनके वेट में लाइट होने के कारण ही spacecraft में, एरोप्लेन में, इन सभी में जो इसका यूज़ किया जाता है। To the list of endless, if we start continuing articles, slippers, furnitures,
डेकोरेशन पीस एक्सेट्रा ये सभी किसके बनाते हैं, प्लास्टिक के यूज इनमें होने लगा है। नाउ लेट अस डिस्कार्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। अब अपन इसमें अलग अलग प्लास्टिक का यूज देखेंगे। फर्स्ट है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मीन्स इजिली जो क्रिया नहीं करती, क्रिया नहीं करने वाले। तो प्लास्टिक क्या है? नॉन रिएक्टिव है। प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक हम जो है कल देखेंगे। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है बेटा, सब अपने अपने माइक ऑन करो। माधव, ऋषि, मनन वालिया, भूमिका, वैभवी, अंकित, सब अपने अपने माइक ऑन करो बेटा। कोई दिक्कत, कोई डाउट बेटा किसी को भी? नो मैम। सब समझ में आ रहा है? यस मैम। कल आपका साइंस का टेस्ट है? कल आपके साइंस का टेस्ट है ना बेटा? यस मैम। यस मैम। सब रेडी हो टेस्ट के लिए? कर ली सबने तैयारी? यस मैम। यस मैम। बोलो। यस मैम। क्या है, क्या पूछना है? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? यस मैम। नो मैम। ओके। और जैसे ही आपका टेस्ट हो जाता है, आप सभी अपनी नोटबुक मुझे आपके स्कूल में लाके चेक करने के लिए। सबकी नोटबुक होनी चाहिए बेटा कल और परसों में मेरे पास चेक के लिए। क्लियर? ओके मैम। मनन, आपकी नोटबुक भी कल आ जानी चाहिए स्पेशली। मैम मेरा काम तो गया, मैं आज आ जाऊंगा। आज फिर कल आज ही ले जाना फिर। ठीक है, टाइम पे आ जाना। ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, क्या बताना? ऋषि बोलो, मैसेज करो। और बीच में कोई भी जो अपनी क्लास चल रही है आपस में कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करेगा। आपका जो है पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए। कोई भी आपस में मैसेज वगैरह करके टाइम पास नहीं करेगा अपना। बोलो ऋषि, क्या पूछना आपको? ऋषि कुछ पूछना है? ओके, लीव करो आप सभी अपनी अपनी क्लास से।